बलरामपुर प्रशासन, पुलिस और खाद्य अधिकारियों ने छापा मारकर केसर कंपनी की नकली चाय बरामद की और व्यापारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों को नकली चाय पत्ती बेचने की शिकायत काफी दिन से मिल रही थी। इस टीम में एसएमओ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि के लोगों का शामिल किया गया है। इस टीम ने मोहल्ला मिस्टनगंज में हाजी मुअज्जम उर्फ गुड्डू की थोक की दुकान भारत ट्रेडर्स पर छापा मार दुकान पर रखी केसर कंपनी की चाय के पत्ती अफसरों ने कब्जे में लेकर अधिकारियों ने इसका बिल और रिकॉर्ड मांगा जो दुकानदार के पास नहीं था। इस पर अधिकारियों को शक गहरा हो गया। उन्होंने तुरंत केसर चाय पत्ती कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया जो अपने साथ असली चाय पत्ती का पैकेट लाया। अफसरों ने दोनों का मिलान किया जो अलग थे। व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गंज कोतवाली ले आए। केसर चाय कंपनी की ओर से जुबेर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि व्यापारी केसर चाय की पत्ती नाम से जिस चाय पत्ती को बेच रहा था वे साल भर पहले एक्सपायर हो चुकी थी, फिर भी उसकी बिक्री जा रही थी। बहरहाल आरोपी गिरफ्तार है और अभी ऐसे और कितने दुकानदार होंगे जो नकली चीज़ें बेच रहे हैं और इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। रामपुर यूपी से जाट टीवी न्यूज़ के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। सियोसाबाद जो पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया नकली चाय की पत्ती के आरोप में, क्या है पूरा मामला? एक केसर चाय पत्ती के मैनेजर ने जुबेर ने बताया था कि हमारा ट्रेडमार्क एक व्यक्ति गलत रूप से प्रयोग कर रहा है। उसी आधार पे खाद्य एवं औषधि प्रशासन साथ में सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ में संयुक्त छापेमारी की गई, जिससे उसकी दुकान पर भारी मात्रा में केसर चाय पत्ती के ट्रेडमार्क लगा हुआ चाय बरामद की गई।